हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। ये वीडियो दोस्तों सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2018 एग्ज़ाम से रिलेटेड है, और काफ़ी टाइम से जो है कमेंट्स बच्चों के आ रहे थे, सर हिंदी मीडियम के लिए भी कुछ मटेरियल अवेलेबल कराइए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे 2018 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है आपको पता है काफ़ी क्लोज आपका आ चुका है। ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 महीने जो है आपके एग्ज़ाम में रह गए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि देखिए आपका हिंदी मीडियम में जो है मटेरियल जो है वो कम अवेलेबल हो पाता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह हैं, आपके नोट्स वगैरह हैं, वो सब इंग्लिश में तो प्लेंटी है, मतलब काफ़ी सारे आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी में जो है रिसोर्सेज कम रहते हैं। ठीक है, तो उस वजह से आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से कीजिए, और जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को प्लीज़ आप पूरा एंड तक देखिए। ठीक है, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है ऑलरेडी लेकिन उनको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो प्लीज़ आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन के बगैर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हो सकता है कोई काम की अपडेट है, कोई एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई डिटेल है, फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डिटेल है, हो सकता है आपको कुछ टाइम के बाद मिले, मतलब समझ रहे हो ना आप, तो उस वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ठीक है, तो आप जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी लोग तैयारी कर भी रहे होंगे और काफ़ी लोग अभी शुरू करने वाले होंगे, तो जो शुरू करने वाले हैं उनके लिए है दोस्तों। ठीक है, तो आपका एक सब्जेक्ट होता है इंडियन पॉलिटी करके है, हिंदी में उसको राज्य व्यवस्था बोलते हैं। तो हिंदी में अगर कोई छोटी मोटी गलती अगर आपको लगे तो उसे प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में थोड़ा फ्लुएंसी है, हिंदी मीडियम में थोड़ा सा वो है। ठीक है, तो हिंदी में ही बात करूँगा मैं इसमें। तो राज्य व्यवस्था आपकी बुक का नाम है, एम लक्ष्मीकांत आपको फॉलो करनी है। ठीक है, इस सब्जेक्ट का ये फ़ायदा है दोस्तों, देखिए हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये अकेली बुक एक ऐसी है जो अगर आप पूरी करके जाते हो तो आपका ऑलमोस्ट 15% जो पेपर है, मतलब 12 से 15% जो आपका एग्ज़ाम आएगा वो पॉलिटी से ही आता है। ठीक है, ऑलमोस्ट वेरी करता है, पहले आपके जो है 15 से 20 क्वेश्चन तक आते थे, 2017 में देखा जाए अगर तो 12-13 क्वेश्चन पॉलिटी से थे। ठीक है, और अगर आपने लक्ष्मीकांत अगर की होती तो डेफिनेटली आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल इनको अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो आपकी बुक रहेगी एम लक्ष्मीकांत के नाम से, और आपका आर्टिकल्स आपको देखिए सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, ठीक है, सारे के सारे सिटीजनशिप से रिलेटेड आपके आर्टिकल्स हैं, DPSP से हैं, उसके बाद आपके जो एग्जीक्यूटिव है यूनियन एग्जीक्यूटिव उससे रिलेटेड सारे आर्टिकल आपको करने हैं। ठीक है, एमरजेंसी से रिलेटेड आपको करने हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड करने हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह, ये सब जो है आपका एग्जीक्यूटिव में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इनमें आर्टिकल आपको अच्छे से करना है, और इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हैं उनका PDF हम शायद बाद में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आपको जो है पूरा का पूरा जो है पढ़ने हैं। उसके बाद स्पेशल फोकस देना है आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं आपके, गवर्नर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रिट्स वगैरह पढ़नी है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़नी है सारी की सारी। ठीक है, और देखिए इनमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आपका जो क्वेश्चन आएगा, पिछली बार जैसे शायद सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन उससे आया था, ठीक है, कमीशन से आपका, ठीक है, या विजिलेंस कमीशन से ऐसे, तो उनमें इनडेप्थ में आपसे नहीं पूछा था। ठीक है, तो उसमें आपसे इंपॉर्टेंट क्या पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे UPSC के मेंबर की स्ट्रेंथ पूछ लेंगे, एज पूछ लेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछ लेंगे, उसके बाद अलाउंसेस क्या है, उनके पे एंड पर्क्स क्या क्या है, ये सब पूछ सकते हैं, मतलब इनडेप्थ में आपको जाने की इतना ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन पता होना चाहिए क्या उनके मेंबर की स्ट्रेंथ होती है, कौन उनको अपॉइंट करता है, कौन उनको हटा सकता है, ठीक है, किसकी प्लेजर पे काम करते हैं, उसके बाद उनके टर्म ऑफ ऑफिस क्या है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बाद इनको ज़रूर आपने पढ़ना है। उसके बाद जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स वगैरह, ये तो बाइबल है, मैंने बताया आपको, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह आपको ये बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है, इनको आप एटलीस्ट कीजिए। ठीक है, और आपके जो फेमस केसेस वगैरह हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, उनमें से भी क्वेश्चन जो है कई बार आ जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप अपनी पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद भूगोल आपका जो है ज्योग्राफी के लिए, देखिए अब टाइम बिल्कुल बहुत कम बचा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये 3 NCERT जो मैंने इसमें मेंशन किए हैं आपको यही करनी है बस। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो आपकी 6th, 7th, 8th और 9th की जो NCERT है वो काफ़ी बेसिक NCERT है, 9वीं और 10वीं की भी काफ़ी बेसिक NCERT है, लेकिन फिर भी चलो ये इंडिया की NCERT है दोनों। ठीक है, पूरी की पूरी इंडिया की ज्योग्राफी इसमें कंप्लीट हो जाती है, जो कि 11th क्लास में भी हो जाती है, लेकिन उसमें मिनरल वगैरह वाले जो आपके पार्ट है, इंडस्ट्री वाला पार्ट है, वो आपका 10th क्लास के NCERT में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको अभी टाइम है, जैसे 5 साढ़े 5 महीने का जो भी टाइम है, तो उसमें आप ये 3 NCERT जरूर कवर करें, 9th क्लास की, 10th की, 11th की, 2 NCERT, दोनों अच्छे से कीजिए। ठीक है,
इलेवेंथ में एक इंडिया की एनसीईआरटी है पूरी की पूरी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें नदी वगैरह दी हुई हैं, डैम्स वगैरह दिए हैं, उसके बाद आपके लेक्स वगैरह, नेशनल पार्क, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। और एक उसका दूसरा ही है फिजिकल ज्योग्राफी करके बुक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका जैसे क्या बोलते हैं अर्थक्वेक वगैरह है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके बाद आपकी एटमोसफेयर है, सॉइल वगैरह है, मतलब सारी चीज़ें उसमें दे रखी है, ठीक है। उसके बाद एक ओरिएंट ब्लैक स्टोन का मैप ले लीजिए, ठीक है। एक पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो लिंक है उसमें जो हम नीचे एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, ठीक है, वो हमारे स्टोर का लिंक है, आप जाके उस लिंक को वहाँ से आपको अगर पसंद आता है तो आप वहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एक पीडीएफ और मिलेगा जिसमें आपका सारी की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक रहेंगे, तो आप वहाँ से डायरेक्ट उन लिंक्स पे क्लिक करके बुक्स जो है मंगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इतिहास जो आपका है वो स्पेक्ट्रम की बुक देखिए, आप जो इस बार CDS का जो एग्ज़ाम आया था, ऑलमोस्ट CDS और CAPF का एग्ज़ाम जो है ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल का रहता है, तो इस बार जो है जो CDS का जो 2018 का फर्स्ट पेपर जो आया था, मतलब फर्स्ट 2018 का जो एग्ज़ाम आया था, उसमें एंशियंट हिस्ट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आप एंशियंट हिस्ट्री को बिल्कुल भी मिस ना करें, NCERT है, ठीक है, और ज़्यादा बड़ी नहीं है, दोनों की दोनों बुक आप कंप्लीट कर सकते हो, हार्डली आपको 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा इनमें, ठीक है। इतिहास ये देखिए दोनों चीज़ें, ठीक है। उसके बाद मैंने इनके कुछ लिंक दिए हैं नीचे, ठीक है ना, जैसे आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, ये सब लिंक्स मैंने इसमें ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो ये आपके वीडियोस देखें आप इनकी पहले, उसके बाद बुक्स को पढ़ें, ताकि आपको जो है जल्दी आप जो है चीज़ों को ग्रैब कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद विज्ञान के लिए आपके 6ठी से लेकर 10वीं तक की NCERT आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद 6ठी से 10वीं मोर देन एनफ रहेगी आपके लिए, इनको ध्यान से करना है, ठीक है, और रिवाइज भी करना है NCERT को। उसके बाद पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए आपको बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर्स जो हैं वो करने हैं। लास्ट बार बायोमैग्निफिकेशन करके क्वेश्चन आया था, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और आया था, तो वो तीनों के तीनों चारों जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इन 4 चैप्टर्स में जो है कवर आपके होते हैं, ठीक है। तो ये वाले बिल्कुल ना छोड़ो, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, वो भी बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर, 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है, वो जरूर करके जाएँ, ठीक है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के, देखिए मैथ और रीजनिंग में CAPF में जो है ऐसा कुछ अलग से नहीं आता, जैसे CDS में स्पेसिफिक पूरा का पूरा एग्ज़ाम मैथ का होता है, ठीक है, लेकिन CAPF में आपका मैथ का कुछ छोटा सा पार्ट आता है, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं वो ऐसा नहीं है कि आपके SSC CGL लेवल के आते हैं, जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब एक दो क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, लेकिन ऑलमोस्ट जो वैसे क्वेश्चन होते हैं वो आपके माइंड बेस के होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लास्ट 5 साल के CSET पेपर जो है सिविल सर्विसेज के वो सॉल्व कीजिए, जिसमें मैथ मैथ के क्वेश्चन हो सिर्फ, ठीक है, और 5 साल के असिस्टेंट कमांडेंट के प्रीवियस ईयर पेपर पेपर 1 जो है वो सब आप सॉल्व कीजिए इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे आपका आ चुका है दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ठीक है, इनकी समरी आपको करनी है। बजट की समरी जो है ऑलरेडी मैंने उसमें फोल्डर में डाली हुई है, जो इस पूरी वीडियो का जो लिंक है उसके फोल्डर में, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम जो है वो आपको करनी है, अभी गवर्नमेंट स्कीम का देखिए आप ये चीज़ें, जैसे ये गवर्नमेंट स्कीम है आपकी, अवार्ड्स वगैरह हैं, इनका आप क्या कर सकते हो, इनको आप लास्ट में तैयार कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी आपके पास इतना टाइम है, क्योंकि अभी आप तैयारी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अभी अगर आप पढ़ेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे उस टाइम तक, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम होगी आपकी, जैसे उसके बाद नीचे बात करते हैं एक सेकंड, ठीक है, करंट अफेयर है आपके जैसे, उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, अवार्ड्स हैं, ऑनर्स हैं, बुक्स हैं, नोबेल प्राइज़ है, पद्म भूषण है, स्पोर्ट्स है, ये सब चीज़ें आप लास्ट के 10-15 दिन जब आपके रह जाएँ एग्जाम में, यानी आप 1 अगस्त के बाद शुरू कीजिए, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, अगर आप अभी इन पे ध्यान दोगे और आप मेन कोर्स जो आपका ये ऊपर वाला है अगर ख़त्म नहीं करोगे तो आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उस वजह से आपको बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आप लास्ट के 10 दिन में करना, ठीक है। और क्या बोलते हैं पेपर 2 के लिए हमने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी, वो आप देख सकते हो यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा कंटेंट जो है इसमें से मैं बता देता हूँ हमारे उस फोल्डर में क्या क्या अवेलेबल रहेगा। लक्ष्मीकांत की बुक रहेगी बेसिकली PDF की फॉर्म में, अगर आपको चाहिए हो तो, ठीक है। उसके बाद NCERT हिंदी में सारी की सारी हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ओरिएंट का मैप अगर मिला वो भी हम अपलोड कर देंगे उसमें। इतिहास की बुक आप स्पेक्ट्रम की ले लीजिए और RS शर्मा भी ले लीजिए, उसमें लिंक डाल देंगे हम, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। NCERT साइंस की उसमें अवेलेबल रहेगी, बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर जो है वो अपलोड कर देंगे हम, कोशिश करेंगे। और मैथ और रीजनिंग के जो हैं ये लास्ट के 5 ईयर के आप देख लीजिए नेट पे अवेलेबल अगर होते हैं तो, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बजट सेव करके जाइए, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी बड़ा हो जाएगा और उससे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस रहते हैं, ठीक है। और बजट में भी आपको इन पे ध्यान ज़्यादा देना है, गवर्नमेंट ने क्या, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था रेलवे के बजट के ऊपर, रेलवे का बजट जो है मर्ज किया गया था, तो जो हाईलाइट चीज़ें होती है ना वही आपको पढ़नी है, पूरा बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ये करंट अफेयर आप देखिए, करंट अफेयर के लिए कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, या वो मंथली मैगजीन हो या फिर 6 मंथ की मैगजीन हो या विजन IAS की, कोई भी आपको जो भी सूटेबल लगे, ठीक है। अब जो आपके अवार्ड्स वगैरह हैं वो आप 6 मंथ की मैगजीन में आपके इजीली अवेलेबल रहते हैं, अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है, ठीक है।
तो आप देख लीजिए आपको जिस तरह से सूटेबल लगी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, उसके इक्विवेलेंट रैंक्स वगैरह ये सब हम लास्ट में अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आपके एग्जाम से पहले, ठीक है ना। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और प्लीज़ हमारा एक फोल्डर हमने सॉरी ये ऑनलाइन स्टोर जो क्रिएट किया था उस पर प्लीज़ आप एक बार जरूर जाइए, उसमें सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है। टुकड़ों में हमने उसे डिवाइड किया है, छोटी छोटी चीज़ें जैसे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ उस पर आपको मिल जाएगा, एक बार जरूर विजिट करें। और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं जिनके पास हमारा स्टडी मटेरियल नहीं है वो भी एक बार जाके देखें, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है आपको जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ अगर चाहिए होता है तो वो सब हमने इसमें ब्रेक करके डाला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए पूरा मटेरियल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ज्योग्राफी या पॉलिटी से रिलेटेड कुछ कंटेंट चाहिए तो वो उसमें फोल्डर वाइज अवेलेबल रहेगा, कि आपको पॉलिटी का चाहिए तो खाली पॉलिटी का मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा उस पर इन्वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।